ये थ्योरम नंबर 5 है हमारे पास, ओके। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। तो एज अ क्वेश्चन गिवन है या थ्योरम गिवन है, देख लीजिएगा उसको आप। ये एज अ थ्योरम आप इसको ध्यान रखिए, ये रिजल्ट्स को आप ध्यान में रखिए, ये काम आएंगे, ओके। देखिए बोला जाता है इफ टू साइड्स एंड मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, होल्ड कर लो यहाँ, ठीक है। तो बना लेते हैं पहले और फिर समझते हैं, पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। देखिए ये मेरे पास है ट्राइंगल ए बी सी, ओके। तो लेट अस से कि इसका मीडियन, मीडियन क्या काम करता है बताइए। सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, BP is equals to PC है, पक्का हमको पता है। तो टिक लगा लेते हैं ऐसा ऐसा, ठीक है। इस पे साइन लगा लेते हैं ध्यान रखने के लिए। सपोज मेरे पास एक और ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल है मेरे पास DEF, DEF, ओके। और ये देखिए यहाँ से एक मीडियन आता है, लेट अस से DQ, तो EQ किसके इक्वल हो जाता होगा, QF, ठीक है ना। अब पढ़िए और समझिए, अब पढ़िए दोबारा। इफ टू साइड्स एंड मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन प्रूव दैट ट्राइंगल आर सिमिलर, ठीक है। फिर से देखते हैं, इफ टू साइड्स तो होल्ड करो, दो साइड्स उठा लो भाई कोई। सपोज मैंने उठाया ए बी और डी, ओके। दूसरी साइड में उठाता हूँ बी सी और ई एफ, ठीक है। देखिए बी सी और ई एफ तो जरूर लेंगे क्योंकि मीडियन आके उस पर गिरता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे को क्या बोलता है वो, टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी किसके प्रोपोर्शनेट है बोलिए, हाँ ऐसा। ऑल्सो BC किसके प्रोपोर्शनल, टू साइड्स हो गया, टू साइड्स। अब यहां से मत पढ़ो एंड से, टू साइड्स आर रेस्पेक्ट, टू साइड्स आर और रेस्पेक्टिवली को भी मत पढ़ो, टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स, हो गया। दो साइड करस्पॉन्डिंग दो साइड्स के प्रोपोर्शनल है, तोड़ दो बीच में से क्वेश्चन को। तो AB इज प्रोपोर्शनल टू DE एंड BC इज प्रोपोर्शनल टू EF, ये मैंने बना के रख लिया। देखिए प्रोपोर्शनल तो मैंने दिखा दिया है और उससे मेरे को रिजल्ट भी पता है कि जब मैं ये प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहाँ कांस्टेंट K आएगा और DE कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, मतलब AB upon DE is equals to BC upon EF। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से पढ़ो, एंड मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दिस साइड्स, मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दिस साइड्स मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड्स में से किसी साइड्स को भी बाइसेक्ट करने वाला मीडियन आप कोई भी ले लीजिए। तो हमने वर्टेक्स ए से आने वाला मीडियन AP लिया, मेरी मर्जी होती तो सी से आने वाला कोई लेते CF, जो कि किस पे गिरता है, AB। बट ऐसे डायग्राम देखने में हमको सिंपल लगता है तो हमने ऐसे बना दिया। और मेरे को क्या गिवन है कि जो मीडियंस होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, मतलब AP इज प्रोपोर्शनेट टू, पढ़ लीजिए एंड से पढ़ी, एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दिस साइड्स, होल्ड कर दीजिए, इज आर प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स को हटा के द करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ, ठीक। तो क्या बनेगा बताइए, AP अपॉन DQ बन जाएगा ना। इसका मतलब ये सब जो गिवन है ये मैंने अपने समझने के लिए लिखा था, फाइनली मुझको क्या गिवन है, तो आंसर है मुझको गिवन है AB upon DE is equals to, ये मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में डिस्कस किया था, DC upon EF is equals to AB upon DQ, ये हो गया, ओके, ठीक है। अब मुझे दिखाना क्या है, हाँ, then prove that the triangles are similar, मतलब मुझको क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल डी ई एफ के क्या है, सिमिलर, ये मुझको प्रूफ करना है, डी ई एफ के सिमिलर है। और देखिए सिमिलर करने के हमारे पास तरीके हैं कुछ, एंगल एंगल एंगल,
साइड एंगल साइड और साइड 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 भी है हमारे पास। ओके तो चलिए देखते हैं इसको, जो गिवन है उसी से उठाते हैं। हमको गिवन जो है उसका हम यूज करते हैं। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, प्रूफ कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, गिवन जो है मेरे को क्या गिवन है, देखिए ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ओके इज इक्वल्स टू देखिए अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो, देखिए पहले तो एक ट्रिक लगाते हैं। देखिए क्या ट्रिक मैं लगाने वाला हूँ, मान लीजिए, देखिए एक बात तो आपको पता है, आपको अगर दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, दोनों बड़े ट्राइंगल ए बी सी और डी ई क्यू अगर आपको सिमिलर करने हैं, तो मैं क्या करूं, अगर मैं दिमाग लगाता हूं और अगर मैं किसी भी तरीके से एंगल बी को किसके इक्वल ला दूं, ठीक, और ए बी अपॉन बी सी तो पक्का डी ई अपॉन ई एफ के इक्वल दिया ही हुआ, ये वाली इंफॉर्मेशन का मैं यूज कर लूं और बी को मैं किसके इक्वल दिखा दूं ई के, तो क्या लग जाएगा साइड एंगल साइड, क्योंकि देखिए एंगल कंटेनिंग साइड ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो एंगल कंटेनिंग साइड और इक्वल है। लेकिन आप कहाँ पे गाड़ी फंस गई आके कि भाई बी को किसके इक्वल दिखा दो, ई के। और देखिए बी को ई के इक्वल दिखाने का ये तरीका है कि आप दो छोटे वाले ट्राइंगल पकड़िए, ए बी पी को किसके सिमिलर दिखा लें, डी ई क्यू के। अब हमारा टारगेट चेंज हो गया, तो हम क्या करना चाहते हैं, ए बी पी को जी ई क्यू के सिमिलर दिखाना चाहते हैं। और सिमिलर होने के तीन तरीके, एंगल 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 कोई सवाल ही नहीं उठता है, एंगल 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 क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं दिया है, ये कोई ऑल्टीट्यूड नहीं है कि ये 90, तो वो फेल हो गया। सुनिए साइड एंगल साइड भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू भाई एंगल बी बी के इक्वल ही नहीं है ना, कोई भी एंगल ही नहीं इक्वल है तो एंगल वाले तो खत्म हो गए। अब बचता क्या है, साइड साइड साइड, इसका मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी बी अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी क्यू अगर आ जाए तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, देखिए बनता है, देखिए ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी क्यू तो बन गया, एक नहीं बन रहा है कौन, बी बी अपॉन ई क्यू। लेकिन आपको पता है कि ए बी क्या है, बी सी का मीडियन है, बी बी इज इक्वल्स टू क्या है, बी सी है, कोई डाउट है बताइए। तो अगर मैं इसके न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर दूं तो चलेगा, डिवाइड ही कर सकते हो क्या, है ना, या फिर नहीं डिवाइड करना है तो BC को आप क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स BP और EF को आप क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स EQ, 2 से 2 कट हो जाएगा और BP अपॉन EQ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको नहीं करना है तो मत करिए, ये हमने 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा दिया, BC का हाफ कितना होता है, BP होता है, तो ये हो गया BP और EF का हाफ कितना होता है, देखिए ये EF का हाफ EQ, why, because DQ and AP are the medians of triangle DEF and ABC respectively, okay, ये हो गया EQ is equals to AP। अब आप देख सकते होंगे, this implies that कि triangle ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई क्यू, वाई साइड साइड, देख सकते हैं आप यहाँ से बनता है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन डी क्यू। ठीक है, ओके तो हो गया बस। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं बताइए, इक्वी एंगुलर, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्विएंगुलर। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल डी ई क्यू आर इक्विएंगुलर, मतलब जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा ई के, दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। नाउ बड़े वाले ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ
जी ई एफ कौन किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है और एंगल कंटेनिंग साइड एंगल B is equals to angle E also. It is given that AB upon BC, AB upon is equals to DP upon EF. देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर हम लोग, तो या तो आप बोल दीजिए कि एंगल कंटेनिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और या तो आप बोल दीजिए एंगल कंटेनिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, मतलब AB is proportional to DP, तभी तो DP कहाँ जाता होगा नीचे कभी, और देखिए सामने भी लिखा हुआ AB is proportional to DE और BC is proportional to EF. ओके ये प्रूफ हो गया, तो इस तरीके